हाउस स्टेट। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, एसपी विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कानपुर से, 38 दिन बाद सोलंकी की कई मामलों में पेशी हुई। पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने शेर व शायरी की, 1.5 महीने बाद मुलाकात हुई, इसके लिए धन्यवाद। ये कहा उन्होंने, कहा कि रात चाहे जितनी भी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। देर महीने बाद आपसे मुलाकात है, इसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। चलो, और जो यार नोट बंद हो गए, उसको कुछ बोलेंगे अब? ये तो मोदी जी बोलेंगे, उसमें हम क्या बोलेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें झांसी से, जहां जनरेटर में भीषण आग लगी, इलाके में अड़कम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की झांसी से, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार गर्मी। और दूसरी ओर ये तस्वीर आपको दिखा रहे, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो जनरेटर में किस तरीके से आग लगी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की झांसी से। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां ज्वालापुर में एक दुकान में भीषण आग लगी, हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। फायर फाइटर्स ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से और भी आसपास दुकानें, हालांकि दुकानें बंद थी, और ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से इस दुकान में आग लगी, मौके पर हड़कंप की स्थिति देखी गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई। हमने यहाँ पे आके जो सिलेंडर थे ऊपर जो घर में रखे थे, उनको साइड में शिफ्ट किया पहले सेफली, कि अगर सिलेंडर फट जाता है तो बहुत ज्यादा दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद लगातार हमारे लोगों ने शटर